मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मे आई हेल्प यू सहायता बूथ आवश्यक जानकारी के साथ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे वरिष्ठ कर्मचारी, चिकित्सा सुविधा भी कराई जाएगी उपलब्ध। पटना में 9 माह बाद पारा 14.6 डिग्री पहुंचा, सामान्य से 3 डिग्री नीचे आया। रात का तापमान छठ पर कोहरे के साथ बढ़ जाएगी ठंड। वैशाली में गोली बमबाजी में पति पत्नी घायल, घटना के आक्रोश में लोगों ने किया सड़क जाम। बिहार में डिजाइनर वाली छठ, डिजाइनर सुनीता प्रकाश ने तैयार की छठ की साड़ियां, बांस की बहन किया और सूप को दिया फैशनेबल लुक। नारायणी नदी में छठ महापर्व से जुड़ी पौराणिक कथा, मां सीता जब वाल्मीकि आश्रम में थी तब यहां की थी छठ पूजा। जहरीली शराब कांड में आरजेडी बयानबाजी तक सिमटे, सीपीआई एमएल कर रही प्रदर्शन, कांग्रेस ने पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख और नौकरी मांगी। पीएसएससी के खिलाफ छात्रों का महाआंदोलन, अब तक घोषित नहीं हुई काउंसिलिंग डेट, 15 नवंबर को पटना में सड़क पर उतरेंगे छात्र। बेगूसराय में भांजा ने आर्मी जवान मामा को मारी गोली, घायल जवान अस्पताल में भर्ती, परिजनों का आरोप रंगदारी नहीं देने पर की फायरिंग। आरा में ठेकेदार के भतीजे की हत्या, अपराधियों ने ईंट से कुचलकर धारदार हथियार से काट डाला चाचा का, आरोप दोस्तों ने किया मर्डर। पटना में चुनाव से पहले 2260 लीटर शराब बरामद, ड्राई स्टेट में शराबबंदी की पोल खुली, पटना सदर और फुलवारी में 15 को मतदान। उपेंद्र कुशवाहा बोले, लोग जागरूक होंगे तभी सफल होगी शराबबंदी। जेडीयू नेता ने कहा, शराबबंदी सफल कानून लेकिन पुलिस के डंडे से नहीं होगा। गांधी के चंपारण पहुंचे उपराष्ट्रपति, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पहुंचे, 100 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया। हाजीपुर से रेस्टोरेंट संचालक, 2 दिन से लापता पत्नी ने एसपी से लगाई मदद की गुहार, 54 वर्षीय राजेश कश्यप का मोबाइल भी है बंद। बघा में 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार, पुलिस ने कई गांव में की छापेमारी, 24 घंटे के अंदर 105 लीटर देशी शराब बरामद। सीतामढ़ी पुलिस पर आरोप, जेडीयू नेत्री की बेटी को पीटा, जानकी स्थान हंगामा मामले में 2 बेटे पुलिस हिरासत में, 1 की पिटाई कर छोड़ने का आरोप। बेतिया में फ्री में बट रही थी शराब तो पीने चले गए, शराब से 16 मौतों के बाद गांव में सन्नाटा, परिजन बोले मिली भगत से चल रहा कारोबार। शिवहर में किसान की गोली मारकर हत्या, खलियान में सोया अवस्था में अपराधियों ने मारी गोली, मच्छरदानी शव लपेट कर फरार। बहू की प्रताड़ना से तंग, नदी में कूदी महिला, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में वृद्धा ने लगाई छलांग, स्थानीय गोताखोरों ने बचाया। सीतामढ़ी में लावारिश अवस्था में वृद्ध का मिला शव, बाजार में सब्जी बेचने गया था, बाद में पोखर किनारे मिली लाश। पटना में अधूरी तैयारी में कल नहाए खाए से महापर्व का शुभारंभ, छठ महापर्व पर मंडरा रहा बड़ा खतरा, खतरनाक घाटों की नहीं हुई सूची। सीतामढ़ी में 51 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्रियों का वितरण, वैदेश नगर में 51 छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री और साड़ी का किया गया वितरण। सीतामढ़ी में पूर्व मंत्री के घर चोरी, बंद पड़े घर में चोरों ने 15 से ऊपर ताले तोड़े लेकिन हाथ लगे सिर्फ 40,000 के जेवरात। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर के पास दुकान से चोरी, सेंध मार कर चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को उड़ाया, नकद भी ले गए। बांस की कीमतें, सूप द्वारा बनाने वालों को रुला रही बेगूसराय का मलिक समाज, हर शुभ अशुभ में आता है सबके काम, खुद की जिंदगी बनी बोझ। बक्सर में 2 की मौत, शराब पीने से 2 लोगों की मौत की अफवाह से मचा हड़कंप, चोरी छिपे परिजनों ने किया दाह संस्कार। शराब मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, पूर्णिया में तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर लाठी डंडे से हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। बेटियों की शादी वाले घरों में पिता की अस्थियां उठी, बेतिया में शराब ने बर्बाद किए घर, 50 मीटर की दायरे में 10 लोगों की जान गई। सब्जी खेती की आड़ में बन रही थी अवैध शराब, रोहतास पुलिस ने 300 किलो जावा महुआ को किया जब्त, शराब भट्टी ध्वस्त। मधुबनी में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में झड़प, काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान चले लाठी डंडे, 2 घायल। नौकरी की तैयारी के दौरान हादसा, 1 की मौत। मुजफ्फरपुर में आर्मी में भर्ती के लिए 2 युवक लगा रहे थे दौड़, अज्ञात वाहन ने रौंदा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।